आज हम बात करेंगे कि सी पैनल का ओवरव्यू, थर्ड मॉड्यूल हमने स्टार्ट कर चुके हैं और इसके अंदर हम टोटली डिस्कस करेंगे सी पैनल का मॉड्यूल। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है एहसान दानिश। आज हम बात करेंगे कि सी पैनल का ओवरव्यू, थर्ड मॉड्यूल हमने स्टार्ट कर चुके हैं और इसके अंदर हम टोटली डिस्कस करेंगे सी पैनल का मॉड्यूल, यानी कंट्रोल पैनल या होस्टिंग अकाउंट का ओवरव्यू, कि उसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस होते हैं और आप किन किन ऑप्शंस को यूज़ करते हुए क्या क्या कर सकते हैं। तो चलें चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं। तो यहाँ पे देखें, एक हमने यहाँ पे पेड होस्टिंग एंड डोमेन बाय की और यहाँ पे एक हमारे पास फ्री होस्टिंग एंड डोमेन का कंट्रोल पैनल है। नॉर्मली ज़्यादातर होस्टिंग्स के अंदर इस तरह का सी पैनल आपको मिल जाता है जिसको आप यूज़ करते हो और डिफरेंट काम सिर्फ इसी से करते हो अपने होस्टिंग के। ऑन द अदर हैंड कुछ जो होस्टिंग प्रोवाइडर्स हैं वो आपको इस तरह के मतलब पैनल देते हैं, इस तरह का आपका इंटरफेस होता है अकाउंट का, और अगर आप एडवांस या मतलब वहाँ पे कोई भी ऑप्शन अवेलेबल होता है, लेकिन यहाँ पे ब्लू होस्ट के अंदर एडवांस का ऑप्शन है, तो आपको सेम सी पैनल यहाँ पे मिल जाएगा सेम ऑप्शंस के साथ। थोड़े ऑप्शंस कम हैं यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू दिस फ्री होस्टिंग, कम इन सेंस कि ये टोटल सी पैनल है, लेकिन इसके कुछ ऑप्शन यहाँ पे हैं और कुछ ऑप्शन यहाँ पे हैं, जैसे डोमेन वाला, और यहाँ इसका ऑप्शन जो डोमेन वाला है वो यहाँ पे है लेकिन और जगह पे नहीं है। तो चीज़ें सेम हैं लेकिन बस थोड़ा सा इंटरफेस का डिफरेंस है। तो चलिए हम दोनों को एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले ब्लू होस्ट को देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास होम है, होम पेज के ऊपर हमारे पास थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन शो हो रही होती है हमारी होस्टिंग की, हमारी डोमेन या वेबसाइट की जो भी हमारे पास इंस्टॉल्ड है। अभी कोई भी वेबसाइट नहीं है, तो यहाँ पे देखें कोई वेबसाइट नहीं, और यहाँ पे ये कह रहा है एड वन, और यहाँ पे देखें ये मार्केट प्लेस है। अगर हमने कोई चीज़ मजीद बाय करनी है इनसे जिसकी हमें कोई ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है, तो इसको मैं अभी स्किप कर दूँगा। और यहाँ पर ई मेल एंड ऑफिस, यहाँ पर अगर मुझे कस्टम ई मेल सेटअप करनी है, जैसे यहाँ पर देखें hello@milkcanvas.com या hello@ehsandanish.com, जो भी मेरी डोमेन होगी यहाँ पे मेरे पास जो डोमेन अवेलेबल है जैसे मेल कैनवस, इसके साथ आप किसी भी तरह की ईमेल बना सकते हैं, आपने डिफरेंट प्रोफेशनल कंपनीज के पास देखा होगा। तो हम आगे चल के इसको डिटेल के अंदर एक जो है डोमेन बना के दिखाऊंगा मैं आपको। तो यहाँ पे आप उनको मैनेज कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे डोमेन्स के सारे एक्सेसेस आप मैनेज कर सकते हैं, रिडायरेक्ट करना, ट्रांसफ़र करना, अगर आप ब्लू होस्ट से ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं नेमचीप के ऊपर अपनी डोमेन, तो आप कर सकते हैं। उसके बाद सब डोमेन आपने मैनेज करनी है, बनानी है, तो यहाँ से बना सकते हैं। तो ये ऑप्शंस हैं यहाँ पे हमारे पास। बेसिक मार्केटिंग टूल्स हैं जो कि ब्लू होस्ट हमें प्रोवाइड करता है, जो कि एक बड़े अच्छे मार्केटिंग टूल्स हैं, लेकिन मैंने कभी भी यूज़ नहीं किए क्योंकि मुझे इनकी कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। आप इनको चाहें तो एक्सप्लोर कर सकते हैं, राइट। तो अभी के लिए मैं वापस चला जाऊँगा अपने होस्टिंग के अंदर, अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पे कुछ बेसिक से ही ऑप्शंस हैं, और जो सबसे इसका मेजर पैनल है वो हमारे पास ये एडवांस वाला है। अगर इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास पूरा सी पैनल ओपन हो जाएगा, और उस सी पैनल के अंदर हम जो चाहे, हम जिस तरह की अपनी फाइल मैनेजमेंट, यहाँ पे देखें ईमेल्स के लिए, अकाउंट क्रिएट करने के लिए कम्प्लीट पैनल है, तमाम इन्फॉर्मेशन है हमारे पास कि आपने कितना डिस्क स्पेस यूज़ किया है, कितना आपके पास अवेलेबल है, यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन है। आप अपनी फाइल्स को मैनेज कर सकते हैं, डेटाबेसिस को मैनेज कर सकते हैं, और यहाँ पे देखें बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे आईपी ब्लॉकर, एरर्स, और ये बहुत सारे एडवांस ऑप्शंस हैं। SSL आप यहाँ से लगा सकते हैं, SSL क्या होता है आगे चल के हम देखेंगे इसको। और यहाँ पे देखें आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं, अगर इंस्टॉल करना चाहें यहाँ से, तो सिंपल यहाँ पे देखें ऑप्शंस हैं। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं। वर्डप्रेस बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है, एक स्क्रिप्ट है। तो यहाँ पे देखें और काफ़ी सारे स्क्रिप्ट हैं, लेकिन हमारा काम सिर्फ वर्डप्रेस से है, तो हम वर्डप्रेस के बारे में बात करेंगे। अभी मैं बैक चला जाता हूँ वापस, और यहाँ पे देखें सेम ऑप्शंस काफ़ी सारे, और देखें ये जो सी पैनल है इसके अंदर भी सेम ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ पे कुछ स्टैट्स हैं, बट थोड़ा सा जो है वो प्लान आपका फ्री है, और यहाँ पे आपका तमाम स्टैट्स नज़र आ रहे हैं। तो बस इंटरफेस का डिफरेंस है, बाकी सारे ऑप्शंस देखें यहाँ पे सेम टू सेम वही हैं जो भी ऑप्शंस हमारे पास होते हैं। यहाँ पे देखें ये ऑप्शंस, तो ये सारी चीज़ें सेम है। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था कंट्रोल पैनल का। यहाँ पे आप देखें अकाउंट पासवर्ड चेंज कर सकते हैं अपना कंट्रोल पैनल का। सिमिलरली यहाँ पे देखें अपने अकाउंट का प्रोफाइल, बिलिंग मैनेज कर सकते हैं, लॉग आउट कर सकते हैं, प्रोफाइल यहाँ पे जाके अपना पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकते हैं, और बाकी चीज़ें कर सकते हैं। राइट नाउ मैं अभी
इसको ओपन नहीं करूँगा। तो ये तकरीबन सेम ही जो है इंटरफेस होता है सी पैनल का। तो कंट्रोल कई जगह पे आपको और पैनल्स भी मिलते हैं, SH पैनल या बहुत सारे और पैनल्स, उनका इंटरफेस थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन ऑलमोस्ट यही ऑप्शंस आपको वहाँ पे मिल जाते हैं। तो आई होप आपको समझ आई होगी थोड़ा बहुत कंट्रोल पैनल्स के अबाउट। आगे चल के मजीद हम इनसे इंटरेक्ट करेंगे तो आपको मजीद समझ आ जाएगी कि कौन सी चीज़ कहाँ पर मैनेज करनी हो, और ये कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल बेसिक्स ऑप्शन है, आगे चल के हम देखेंगे। तो आई होप आपको समझ आई होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।